दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डीआर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता भी है, हाईकोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में ड्राइवर की पोस्ट के लिए जो रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था 19 सितंबर 2021 को, उसका फाइनली कल रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया था। और आशा करता हूँ आप सभी ने देख भी लिया होगा और आपने अपने अपने जो मार्क्स जो ऑफिशियली अनाउंस किए हैं हाईकोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में, वो भी चेक कर लिए होंगे। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्य तीन जो पॉइंट्स हैं, तीन बिंदु हैं उन पे। सबसे पहला बिंदु कि अभी एक और लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे पास कमेंट्स आए हैं उस हिसाब से ही मैंने ये तीनों क्वेश्चन हैं वो सिलेक्ट किए हैं, जो आपको थंबनेल में भी दिख गए होंगे कि अभी एक और लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि सर कट ऑफ अलग अलग क्या लगी है, अलग अलग कैटेगरी हिसाब से आपकी कट ऑफ कितनी लगी है। इसके अलावा ड्राइविंग प्रैक्टिकल टेस्ट कब होगा, यानी ये ऑफिशियली अनाउंस किया है नहीं किया है, तीनों टॉपिक पे डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए अभी डिस्कस करते हैं सबसे पहले बिंदु पे, सबसे पहले पॉइंट पे कि अभी एक और लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी। देखिए आप सभी को पता भी है, इवन मैंने बताया हुआ भी है, कल बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि सर वैकेंसीज हमें बता दीजिए। तो देखिए मैंने आपको वैकेंसीज के बारे में ऑफिशियली बताया हुआ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की आपको एक वीडियो मिलेगी इसी चैनल पे, उस पे मैंने सबसे पहले आपको वैकेंसीज के बारे में बताया था। और इस बात की मुझे खुशी भी है कि मैंने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी सेम वही कट ऑफ है, यानी एक दो नंबर ऊपर चल रहा है बस, वही एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो अनुमानित कट ऑफ थी वही अनाउंस की है डिपार्टमेंट ने। ठीक है, तो अभी डिस्कस करते हैं कि जो लिस्ट है वो जारी होगी या नहीं होगी। देखिए बात कर लेते हैं वैकेंसीज की, तो 29 तो वैकेंसीज हैं हरियाणा की और 40 वैकेंसीज हैं पंजाब की। यानी जो यहाँ पे देखो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पे, ड्राइवर्स सबोर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ हरियाणा और फिर सबोर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ पंजाब, इनकी अलग अलग वैकेंसीज जारी की गई थी और जिसमें हरियाणा के बाटे आती थी 29 और पंजाब के बाटे आ रही थी 40, अलग अलग जो 29 और 40 ऐसे ऐसे वैकेंसीज थी। अब देखिए लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी उस पर बात करते हैं। तो बात ऐसी है कि मैंने कल बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स जो फ़ोन कर रहे थे कि सर लिस्ट और जारी होगी या नहीं होगी, उनको मैंने बता भी दिया था कि देखिए मान लो 29 वैकेंसीज हैं एग्जाम्पल के तौर पे, हरियाणा के बाटे आ रही हैं यानी हिस्से आ रही हैं 29 वैकेंसीज। अब देखिए सबोर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ हरियाणा है, उनके लिए कैंडिडेट पास किए गए हैं 78 यानी 78। अब अगर उन कैंडिडेट्स में से 29 वैकेंसीज फिल नहीं होती हैं मान लो, ठीक है, यानी कुछ डॉक्यूमेंट्स में निकल जाते हैं, कुछ अब्सेंट रह जाते हैं, तो ऐसे करके फाइनली जो सिलेक्शन होते हैं उसमें 29 बंदे पास नहीं होते हैं, उसमें से कुछ कम रह गए यानी 25 वैकेंसीज ही फिल हुई, 4 खाली रह गई, तो फिर चांसेस क्या हैं, फिर तो उन्हें दोबारा से एक लिस्ट जारी करनी पड़ेगी। अब देखो कट ऑफ क्या लगी है हरियाणा की वो मैं आपको बता देता हूँ, हरियाणा में केवल जनरल कैटेगरी की ही जो वैकेंसीज थी जिसमें 29 वैकेंसीज है जो हिस्से आ रही थी, तो अभी कट ऑफ क्या लगी है 42 पे, 42 पे कट ऑफ लगी है। अब मान लो कि 25 वैकेंसीज फिल हुई और उसके बाद 4 खाली रह गई, यानी जो एलिजिबल कैंडिडेट उन्हें चाहिए, प्रॉपर ड्राइवर चाहिए, वो उन्हें नहीं मिले, यानी हैवी ड्राइवर नहीं मिले, तो फिर क्या करेंगे, वो एक और लिस्ट जारी करेंगे और उसमें कैंडिडेट्स जो नाम आने वाला है वो किन कैंडिडेट्स का होगा, 41 का, 40 का या फिर 39 का, इतने तक जा सकती है। क्यों ये जो अप्लाई है कब होगा, ये चीज़ जो अप्लाई है वो क्यों होगी, जब मैंने आपको बता दिया कि 78 कैंडिडेट्स में से 29 टोटल ऐसे एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, उनकी जगह 25 ही मिलते हैं, यानी 25 कैंडिडेट की ही वैकेंसीज फिल होती हैं, तो फिर 4 खाली रहेंगी, खाली रहेंगे तो उन्हें फिल करना पड़ेगा, फिल करने के लिए क्या करेंगे, फिर वो जो नीचे वाली कट ऑफ है यानी 42 तो अभी लगी है हरियाणा की, तो उससे कम वाली यानी 41, 40 और 39 इसके जितने भी कैंडिडेट हैं उनको बुलाएंगे, या फिर 40 को या 41 को बुला लें, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने बोल दिया 39 को तो 39 को भी बुलाया जाएगा। पहली बात तो यही है कि वैकेंसीज खाली रहेंगी तो ही दोबारा लिस्ट लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। ऐसा ही सेम प्रोसीजर पंजाब यानी सबोर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ पंजाब है उनके लिए लागू होगा,
40 वैकेंसी है टोटल पंजाब के लिए, तो उसमें से अगर मान लो 35 भर्ती हैं, 5 खाली रह जाती हैं, या मान लो 30 ही भर्ती हैं, 10 खाली रह जाती हैं, तो उनके लिए दोबारा से लिस्ट जारी की जाएगी। अब मैं बात कर लेता हूँ कि उनकी कट ऑफ क्या क्या लगी है। देखिए, अगर पंजाब जर्नल की बात करें तो उनकी कट ऑफ लगी है 41 यानी 41 पे। इसके अलावा पंजाब मजहबी सिख और बाल्मीकि जो हैं, जो एससी कैंडिडेट्स हैं, उनकी कट ऑफ लगी है 37 पे यानी 37 पे। इसके अलावा जो अदर एससी कैंडिडेट्स हैं, मजहबी सिख और बाल्मीकि के अलावा जो अदर एससी हैं, उनकी कट ऑफ लगी है 39 पे। और फिर बच गया कौन सा एक अलग से पार्ट, जो एक्सर्विसमैन जर्नल के कैंडिडेट्स हैं, जिनकी 4 वैकेंसीज हैं आई थिंक, जितना मेरे को याद आ रहा है, तो उनकी कट ऑफ कितने पे लगी है, तो उनकी लगी है 39 पे यानी 39 पे। ठीक है, तो मैंने सारा डेटा आपको बता दिया। अब फाइनली जो लास्ट पॉइंट है उस पे चलते हैं कि आपका जो ड्राइविंग प्रैक्टिकल टेस्ट है वो कब से लेकर के कब होगा। तो देखिए, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है यहाँ पे, जैसे ही आप एक लिस्ट जो कल जारी की गई थी, आपको मैं वो ओपन करके दिखा देता हूँ, उसमें ऑफिशियली बताया गया है। देखो यहाँ पे ये लिस्ट है, इसमें देखो साफ साफ लिखा गया है, अगर आपको दिख रहा होगा, कि लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स अगेंस्ट जर्नल कैटेगरी हु हैव बीन कॉल्ड फॉर प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर इन द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ हरियाणा विच विल बी हेल्ड टेंटेटिवली इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2021। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आपका जो ड्राइविंग प्रैक्टिकल टेस्ट है उसकी अनुमानित डेट है वो जारी कर दी है, यानी एक टेम्परेरी डेट उन्होंने जारी कर दी है। डेट क्या है, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर ऑफ 2021, यानी नवंबर 2021 के पहले सप्ताह के अंदर आपका जो ड्राइविंग प्रैक्टिकल टेस्ट है वो होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर बात कर लेते हैं कि कितने दिन अभी आपके पास रह गए, तो देखो आज 15 तारीख तो हो ही गई है, तो लगभग 15 दिन ही है आपके पास अपनी जो ड्राइविंग प्रैक्टिकल टेस्ट है, स्किल्स हैं उनको बढ़ाने के लिए। आप अपनी मतलब वो बोलते हैं ना, जी तोड़ मेहनत है उसको लगाइए, उसके ऊपर मेहनत कीजिए। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी सिलेक्ट हो जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि कोई सिलेक्ट ना हो, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे पास अभी कमेंट्स और मैसेज आ रहे हैं तो मैं भी बहुत खुश हूं, क्योंकि हमारी जो ई बुक है उससे बहुत हेल्प हुई है, यानी एग्जामिनेशन में स्कोर करने का लेवल है वो ग्रो हुआ है। और जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं, आपका दिन है वो शुभ हो। आज वैसे दशहरा है तो हैप्पी दशहरा सभी को। और दोस्तों, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट अपडेशन, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।